छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह का अर्घ था, आपने किस किस ने घाट पर गए थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैंने शाम के अर्घ का एक वीडियो पोस्ट किया है, अगर आप नहीं गए हो या वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। तो छठ में जो प्रसाद होता है वो मेन जो प्रसाद होता है वो ठेकुआ होता है, तो आज मैं सोची कि आपको ठेकुआ आप बनाए होंगे या ठेकुआ आपको प्रसाद के रूप में मिला होगा। इसे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, एक तो प्रसाद है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है। तो मैं सोची अगर आपको प्रसाद नहीं मिला हो या अगर आप और भी इसे खाना चाहते हो तो आप खुद घर पर इसे बनाने के लिए हम एक कप गेहूं का आटा, एक कप मैदा, आप पूरा मैदा भी यूज कर सकते हैं, 1/4 कप सूजी, 1/4 कप चीनी, हम मोटे दाने वाला ही चीनी यूज करेंगे, एक चम्मच सौंफ और हम इसमें 2 चम्मच घी यूज करेंगे। मोयम के लिए हम घी का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम सभी चीजों को एक साथ अच्छे तरीके से मिला लेंगे। हम आटे के बदले सिर्फ मैदे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। देखिए इसको अच्छे से ऐसे मसल मसल कर मिला लेंगे और चीनी को भी आप गर्म पानी में घोलकर इसको आटे को इसमें मिला सकते हैं, लेकिन मैंने मोटे दाने का चीनी ही यूज किया है। आप चाहे तो पीस भी सकते हैं, लेकिन इसे यूज करने से एक क्रिस्पी सा एक ये आता है, चीनी का जो फील आता है अच्छा लगता है। तो आप इसे अच्छे से मिला लें, देखिए ये ऐसे बंद जाएगा। इस तरीके से आप मोयम को डालें कि आप इसे मिलाने के बाद देखिए ये ऐसे बंद जाएगा, फिर ये ऐसे टूट जाएगा। तो इस तरीके से हम मोयम को डालेंगे, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पर नारियल को, सूखा नारियल को ग्रेट करके और कुछ को बारीक काट के रखा है। सूखा नारियल मैं डालूंगी जिसे गरी कहते हैं, देखिए इसको भी इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं या जो बाजार में डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है उसे भी डाल सकते हैं, पर ये सूखा नारियल डालने से जो ये जो ठेकुआ को अगर आप स्टोर करते हैं तो इसका जो लाइफ है ये बढ़ जाता है। सूखा नारियल डालने से आप ज़्यादा दिन स्टोर कर सकते हैं। तो सबको मिला के अब हम इसको पानी से अच्छे से टाइट सा डो बनाएंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और डो को बनाएंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि हमें टाइट डो चाहिए। देखिए इसे अच्छे से मिलाकर मैंने एक टाइट डो फॉर्म कर लिया है। अब थोड़ी देर इसे हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। देखिए इससे हम ऐसे गोल गोल बनाकर, ऐसे बॉल्स बनाकर इसे शेप दे देंगे ठेकुए जैसा। इसे आप सांचा में भी डाल सकते हैं, देखिए ऐसे शेप दे के ऐसे हम सब बना के उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से हम सब सारे ठेकुआ को ऐसे शेप दे देंगे, उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मैं इसे अभी ऑयल में ही फ्राई करूंगी। घी में फ्राई करने से इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। देखिए चलिए अब हम फ्राई करते हैं। हम पैन में ऑयल को हीट कर चुके हैं, अब देखिए अब हम एक एक करके इसे फ्राई करेंगे। आंच को हम एकदम लो पर रखेंगे तब ये अच्छे से फ्राई होगा। आंच को बढ़ा के रखेंगे तो ये बाहर से कुक हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हम आंच को एक बिल्कुल धीमा कर देंगे। धीरे धीरे हम सब जो ठेकुआ है उसको तेल में डालेंगे, लेकिन एकदम पूरा भरेंगे नहीं, थोड़ा सा गैप रखेंगे इसे पलटने के लिए। हम इसे धीरे से पलट देंगे, पलटते समय हम सावधानी रखेंगे कि ठेकुआ टूट ना जाए।
देखिए इसे हम पलट देंगे एक तरफ। देखिए एक तरफ कलर आ गया है, तब हम धीरे से दूसरी तरफ पलट देंगे, जाएगा बिल्कुल इस तरह का। तब हम इसे उठाकर एक जाली वाले इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी झड़ जाएगा और एयर लगने से जो क्रिस्पी है वो क्रिस्प हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे ऐसे डाल देंगे। सभी ठेकुआ को हम धीरे धीरे जाली वाली छन्नी में उठाकर रखेंगे। इससे जो है ठेकुआ का एक्स्ट्रा ऑयल भी निकलेगा और वो क्रिस्पी भी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बैच है हम उसे तल लेंगे। बस तो रेडी है हमारा ठेकुआ, जो कि देसी कुकीज़ भी आप कह सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे चाय के साथ खाइए या आप इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये इसको आप बनाकर बहुत दिन स्टोर भी कर सकते हैं, करीब आप 15 डेज तो आराम से स्टोर कर सकते हैं। बच्चों को कभी भी भूख लगे वो निकाल के खा सकते हैं। एकदम स्वादिष्ट देसी कुकीज़। तो आपको कैसा लगा ठेकुआ का रेसिपी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एक बार बना के इस तरीके से ट्राई कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ढेर सारी खुशियाँ बांटिए, ठेकुआ बनाइए और ठेकुआ खाते रहिए।